नरेन, नरेन। एक दिन सुबह के समय जब नरेन अपने मित्रों के साथ अध्ययन में जुटे थे, उन्हें किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। स्वर सुनते ही नरेंद्र हड़बड़ाकर तेजी से दरवाजा खोलने के लिए लपका। उस स्वर को वह पहचानता था, आगंतुक श्री रामकृष्ण ही थे। नरेंद्र को देखते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, तू इतने दिन से आया क्यों नहीं रे? नरेंद्र उन्हें आदर सहित भीतर ले गया। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने नरेंद्र को कुछ खाने के लिए दिया, जिसे नरेंद्र ने अपने मित्रों में भी बांटा। फिर नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण के कहने पर उन्हें एक भजन सुनाया। भजन आरंभ होते ही रामकृष्ण भाव विभोर हो उठे और ध्यान में लीन हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख नरेंद्र के मित्र भयभीत हो गए। तब नरेंद्र बोला, भयभीत मत हो, वे सिर्फ भाव विभोर हुए हैं, दूसरा भजन सुनकर पुनः चेतना में आ जाएंगे। वैसा ही हुआ। नरेंद्र ने जैसे ही दूसरा भजन गाना प्रारंभ किया, रामकृष्ण जी की चेतना लौट आई। बहुत ही अद्भुत उतार चढ़ाव वाला नाता था श्री रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्रनाथ का। स्वयं की खोज स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा में इपिलॉग मीडिया के साथ मैं सुनीता मालपानी सुनाने वाली हूँ कुछ रोचक किस्से। आज की कहानी गुरु शिष्य का अनोखा रिश्ता में। एक बार श्री रामकृष्ण भक्त के स्वभाव को चातक चिड़िया, अ काइंड ऑफ कुकू के उदाहरण से समझा रहे थे। चातक जिस प्रकार अपनी प्यास बुझाने के लिए सिर्फ बरसात के पानी पर निर्भर रहता है और बादल की ओर ताकता रहता है, उसी प्रकार भक्त भी अपने हृदय की प्यास और सब प्रकार के अभावों की पूर्ति के लिए ईश्वर पर निर्भर रहता है। नरेंद्र वहीं बैठा सुन रहा था। एकाएक बोल उठा, महाराज, चातक वाली बात सही नहीं है। चातक वर्षा के पानी के अलावा नदी, जलाशय आदि का पानी पीकर भी अपनी प्यास बुझाता है। मैंने चातक को इस तरह जल पीते हुए देखा है। रामकृष्ण ने कहा, अच्छा, चातक अन्य पक्षियों की तरह धरती का जल भी पीता है? तब तो मेरी इतने दिन की धारणा गलत हो गई। जब तूने देखा है तो फिर इस विषय पर मैं संदेह नहीं कर सकता। बालक समान स्वभाव वाले श्री रामकृष्ण इतना कहकर सोच में पड़ गए कि न जाने और उनकी कितनी धारणा या सोच गलत हो। इस विचार से वे थोड़ा उदास भी हो गए। कुछ दिन बाद नरेंद्र ने उन्हें एकाएक पुकार कर कहा, वह देखिए महाराज, चातक गंगा जी का जल पी रहा है। रामकृष्ण बोले, कहाँ है रे? नरेंद्र के दिखाने पर उन्होंने देखा एक छोटा सा चमगादड़ पानी पी रहा है। तब वे हंसते हुए बोले, यह तो चमगादड़ है रे। रे मूर्ख, तू चमगादड़ को चातक समझता है? तेरी उस दिन की बात ने तो मेरी खुद की धारणा पर मुझसे ही प्रश्न में डाल दिया था। मैं व्यर्थ ही परेशान रहा, अब मैं तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। नरेन को देवी देवताओं और उनके प्रति आस्था कम हो गई थी, इसलिए वे श्री रामकृष्ण से कह भी देते थे कि यह आस्था वगैरह सब उनके मन का भ्रम है। नरेंद्र की सत्यवादिता को जानते हुए लेकिन खुद पर दृढ़ विश्वास के चलते वे नरेंद्र से कह देते, तेरी जैसी इच्छा हो वैसा भले ही बोल, किंतु मैं उस पर विश्वास नहीं करता। श्री रामकृष्ण नरेंद्र की ऐसी बातों से साधारणतया असंतुष्ट नहीं होते थे, फिर भी नरेंद्र के कल्याण के लिए सदैव चुप भी नहीं रहते। उनके विश्वास को हिला नहीं पाने तथा उनके द्वारा अपनी बात नहीं मानने पर नरेंद्र उनकी ऐसी बातों पर संदेह प्रकट करता। नरेंद्रनाथ के दक्षिणेश्वर आगमन के कुछ दिन बाद बाबूराम जी, जो आगे चलकर स्वामी प्रेमानंद कहलाए, उनका आवागमन शुरू हुआ। एक दिन रामदयाल बाबू के साथ वे संध्या के समय दक्षिणेश्वर पहुंचे और बहुत देर तक धर्म चर्चा करने और भोजन के बाद वे वहीं काली मंदिर के आंगन के ऊपरी बरामदे में रामदयाल बाबू के साथ सो गए।
थोड़ी देर में नरेंद्र के लिए श्री रामकृष्ण की व्याकुलता बाबूराम जी ने अपनी आंखों से देखी। हुआ यूं, सोने के पश्चात एक घंटा भी न बीता होगा कि श्री रामकृष्ण अपनी पहनी धोती को बच्चों की तरह बगल में दबाए उनके पास आकर रामदयाल बाबू को पुकार कर कहने लगे, सो गए? वे दोनों चौंक कर उठे और कहा, जी नहीं। सुनकर वे कहने लगे, देखो तो, नरेंद्र के लिए मेरा हृदय मानो अंगोछा निचोड़ने के समान हो रहा है। उसे एक बार भेंट करने के लिए कहना, वह शुद्ध सत्व गुण के साथ साक्षात नारायण है। बीच बीच में उसे देखे बिना मैं रह नहीं सकता। रामदयाल बाबू चूंकि दक्षिणेश्वर आया जाया करते थे, इसलिए रामकृष्ण के बाल सुलभ आचरण को देखकर समझ गए कि वे भाव विभोर हो गए हैं। सुबह होते ही नरेंद्र से मिलकर उसे यहाँ आने के लिए कहेंगे, ऐसा कहकर वे उन्हें शांत करने लगे। परंतु उस रात को रामकृष्ण का भाव जरा भी शांत नहीं हुआ। फिर यह सोचकर कि हमारी नींद में बाधा पड़ रही है, वे बीच बीच में थोड़ी देर के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाते थे। परंतु कुछ देर बाद उस बात को भूलकर पुनः हमारे पास आते और बहुत ही करुण भाव से कहते कि नरेंद्र को देखे बिना उनके हृदय में कैसी यंत्रणा हो रही है। रामकृष्ण का मन मानो नरेंद्रमय हो गया था। उनके मुख से नरेंद्र के गुणों के सिवा कोई दूसरी बात निकलती ही नहीं थी। उन्होंने कहा था, देखो नरेंद्र सत्वगुणी है, मैंने देखा है कि वे सप्तऋषियों में से एक है। इतना कहते कहते वे पुत्र विरह में व्याकुल माता के समान रोने लगे। बाद में किसी तरह अपने को संभाल नहीं पाने के कारण वे बरामदे में चले गए और करुण स्वर में कहते कहते रोने लगे, माँ उसे देखे बिना मैं रह नहीं सकता। कुछ क्षण बाद अपने को कुछ संभाल कर वे कमरे में आए और बोले, इतना रोया परंतु नरेंद्र नहीं आया। उसे एक बार देखने के लिए मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है, परंतु मेरे खिंचाव को वह नहीं समझता। ऐसा कहते कहते वे फिर बाहर जाकर रोने लगे और फिर आकर कहने लगे, मैं बूढ़ा आदमी उसके लिए बेचैन हो रहा हूँ, इतना रो रहा हूँ, मुझे देखकर लोग क्या कहेंगे? तुम लोग बताओ, तुम सब तो अपने हो, तुम्हारे सामने कहने में लज्जा नहीं आती, किंतु दूसरे लोग क्या सोचेंगे? मैं किसी तरह भी अपने को संभाल नहीं पा रहा। उस दिन श्री रामकृष्ण का जन्मदिन था। सभी भक्तगण उन्हें नए वस्त्र, फूल, चंदन आदि से सजाकर आनंदित हो कीर्तन कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र के ना आने से वे उद्विग्न हो गए। कभी कभी चारों ओर देखते हुए कहते, नरेंद्र तो आया नहीं। दोपहर के बाद नरेंद्र ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। तब श्री राम कृष्ण उछल कर उसके कंधे पर जा बैठे और भाव विवल हो गए। बाद में सहज अवस्था में आने पर उन्होंने नरेंद्र से बातचीत करने और उसे खिलाने पिलाने में लग गए। पहले पहल तो नरेंद्र समझ ही नहीं पाते थे कि रामकृष्ण उनके लिए इतना व्याकुल क्यों रहते हैं। फिर इस ख्याल से भी वे उद्विग्न हो जाते कि उनका यह स्नेह रामकृष्ण को दूसरों की दृष्टि में हे बना सकता है। इसी में कभी कभी वे ऐसी कठोर बात भी कह देते थे, ठाकुर अंतकाल में आपकी अवस्था राजा भरत की भांति न हो जाए। राजा भरत दिन रात अपने पालित हिरण के बारे में सोचते हुए मरने के बाद हिरण हो गए थे। बालक सदृश सरल चरित्र रामकृष्ण जी इन बातों को सुनकर गहरी चिंता में डूबकर बोले, तू ठीक कहता है, ठीक ही तो है, तो फिर क्या हो जाएगा? पर मैं तो तुझे देखे बिना रह नहीं सकता। अत्यंत दुखी होकर वे माँ श्री जगदम्बा के चरणों में गए, लेकिन कुछ क्षण के बाद ही हंसते हुए लौट आए और बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। माँ ने कहा है तू नरेंद्र को साक्षात नारायण समझता है, इसलिए प्यार करता है। जिस दिन उसके भीतर नारायण को नहीं देखेगा, उस दिन उसका मुख देखने की भी तेरी इच्छा नहीं होगी।
रामकृष्ण मंदिर के प्रांगण में बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे और माँ काली से विनती कर रहे थे। माँ उसे देखे बिना नहीं रह सकता। नरेंद्र से अटूट प्रेम करने के कारण जब भी नरेंद्र उनसे मिलने आते, रामकृष्ण उनसे पहले भजन सुनते, फिर उन्हें खिलाते पिलाते। जब कई दिनों तक नरेंद्र मिलने नहीं आते थे, तब वे स्वयं शहर जाकर उनसे भेंट करते थे। उन्होंने तो पहली नजर में ही सुरेंद्रनाथ के घर हुई भेंट में परख लिया था कि नरेंद्र एक सत्यनिष्ठ और दृढ़ चरित्र युवक है। उसमें लोकनायक बनने की सभी योग्यताएं हैं। रामकृष्ण किसी को अपना शिष्य बनाने से पूर्व उसे पूरी तरह जांच परख लेते थे। उनकी अभिलाषा थी कि नरेंद्र युग कार्य करे, क्योंकि वह दृढ़ संस्कार वाला असाधारण युवक था। लेकिन रामकृष्ण के अन्य शिष्य नरेंद्र को उदंडी, हठी, दंभी और अनाचारी समझते थे। एक दिन की बात है, ब्रह्म समाज के कुछ प्रसिद्ध नेता रामकृष्ण जी के पास बैठे थे। नरेंद्र भी वहीं मौजूद था। कुछ देर बातचीत करने के बाद ब्रह्म समाज के नेतागण चले गए। तब रामकृष्ण ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने सूक्ष्म भाव में देखा कि जिस एक शक्ति के बल पर इन नेताओं ने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, नरेंद्र में वैसी 18 शक्तियां हैं। उनमें तो ज्ञान द्वीप जल रहा है, लेकिन नरेंद्र में ज्ञान सूर्य प्रकाशमान है। अपनी प्रशंसा सुनकर भी नरेंद्र खुश नहीं हुआ और प्रतिवाद करते हुए बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? कहां वे विश्वविख्यात केशव सेन और कहां स्कूल का एक नगण्य लड़का नरेंद्र? लोग सुनेंगे तो आपको पागल कहेंगे। इस पर रामकृष्ण ने हंसते हुए शांत स्वर में कहा, मैं क्या कर सकता हूं, माँ ने दिखा दिया इसलिए कहता हूं। कैसे मानूं माँ ने कहा है? मुझे तो लगता है कि आपके मस्तिष्क का ख्याल है। आपको मुझसे प्रेम है, इसी कारण आप मुझे बड़ा देखना चाहते हैं, इसीलिए आपको ऐसे दर्शन होते। नरेंद्र प्रत्येक बात को तर्क की कसौटी पर परख कर ही विश्वास करते थे, लेकिन उनकी ऐसी बातों से रामकृष्ण रुष्ट नहीं होते, बल्कि नरेंद्र की स्पष्टवादिता के कारण उनका प्रेम गहराता जा रहा था। नरेंद्र की ऐसी आलोचनाएं रामकृष्ण के अन्य शिष्यों से सहन नहीं होती थी। हालांकि गुरु शिष्य के बीच वैचारिक मतभेद था, फिर भी दोनों को एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। एक बार कुछ दिनों तक नरेंद्र दक्षिणेश्वर नहीं आए। रामकृष्ण उन्हें देखने के लिए व्याकुल हो उठे। रविवार का दिन था। नरेंद्र से मिलने संध्या समय शहर की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने सोचा, आज तो रविवार है, नरेंद्र शायद घर पर ना मिले। हो सकता है वे ब्रह्म समाज की उपासना में भजन गाने जाए। ऐसा सोचकर वे ब्रह्म समाज के उपासक भवन में जाकर नरेंद्र को खोजने लगे। नरेंद्र व्याख्यान दे रहा था। सरल स्वभावी रामकृष्ण स्टेज की ओर बढ़ गए। उपस्थित लोगों में से कई ने उन्हें पहचान लिया। उन्हें देखते ही कानाफूसी शुरू हो गई और लोग उचक उचक कर उन्हें देखने लगे। स्टेज के निकट पहुंचते ही रामकृष्ण जी भावुक हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर लोगों में और भी उत्सुकता बढ़ी। उपासना गृह में गड़बड़ होती देखकर संचालकों ने गैस की बत्तियां बुझा दी। खूब अंधेरा हो गया। अंधेरा हो जाने के कारण वहां उपस्थित जनता में मंदिर से निकलने के लिए हड़बड़ी मच गई। नरेंद्र समझ गया था कि रामकृष्ण यहां मुझे देखने की लालसा में आए हैं। अंधेरा होते ही उसने लपक कर आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। रामकृष्ण जी की समाधि भंग हुई तो किसी तरह वह उन्हें पिछले दरवाजे से बाहर निकाल लाया और गाड़ी में बैठाकर दक्षिणेश्वर पहुंचाया। रामकृष्ण जी के साथ ब्रह्म समाज के सदस्यों की अशिष्टता तथा उनका अभद्र व्यवहार देखकर नरेंद्र को गहरा सदमा पहुंचा था। गुरु शिष्य के इस अनोखे रिश्ते में कितना खुलापन और अपनापन था, है ना? स्वयं की खोज स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा में सुनते रहें।
इस रिश्ते के परिपक्व होने के और भी किस्से इपिलॉग मीडिया और आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर।